हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 6 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 40-45 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर है जो कि कवर करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर है, चाहे फिर वो द हिंदू हो, चाहे फिर वो आपका इंडियन एक्सप्रेस हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, जनसत्ता हो, सारे के सारे न्यूज पेपर हम लोग एक सेशन के अंदर कवर करते हैं, ताकि आपको बहुत सारे न्यूज पेपर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बहुत सारे करंट अफेयर के सोर्सेज देखने की जरूरत ना पड़े, आपको एक सेशन के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी कवर हो जाए, फैक्ट्स कवर हो जाए, पास्ट कोई भी टॉपिक का हिस्ट्री है, उसका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हर चीजें जो कि हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आज सैटरडे 26th of March है, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये सारे आपके एग्जाम है, इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सेशन जो है वो रेगुलर देखना चाहिए। होपफुली सबको आवाज जो है वो परफेक्टली आ रही है। अगर आवाज वाज सब कुछ परफेक्टली आ रही है तो एक बार मुझे थम्स अप दिखा दो, सो दैट पता लग जाए। हाँ गुलशन, टाइम अभी चेंज हो गया है ना, टाइम पहले 8 बजे का था अपना, अभी अपन ने इसको 6 बजे कर दिया है, तो आप लोगों के लिए भी सुबह जल्दी उठने का एक मोटिवेशन होगा। कोशिश करो कि 6 बजे इस क्लास को लाइव देखने की कोशिश किया करो, समझ गए मेरी बात। उससे क्या होगा, आपका शेड्यूल थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, आप सुबह जल्दी उठ जाओगे और आपकी प्रिपरेशन का टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा, और न्यूज़पेपर वैसे भी जितना जल्दी अगर कवर करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद में कोट ऑफ द डे देखेंगे, उसके बाद में सारे के सारे आज के अपने इंपॉर्टेंट न्यूज है वो कवर करेंगे, उसके बाद में आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ, फन फैक्ट, 5 वोकैबुलरी द हिंदू के, और लास्ट में क्विज। और कल का मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, 2 ही क्वेश्चन थे कल, 2 तो रिपीट क्वेश्चन थे, 2 थे कल, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में पूछा था, ये किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, तो ये IMF के द्वारा है जो कि पब्लिश करी जाती है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इमिशन को लेकर, कि एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट में से किन चीजों का इमिशन है जो कि होता है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तीनों का होता है ना, तो डी आपका सही जवाब होगा। ओके, इसके अलावा अनअकैडमी की बात करें तो आप दोस्तों प्रीलिम्स और सीसैट के टेस्ट सीरीज है जो कि अनअकैडमी से ले सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, और 0% EMI पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको रेफरल कोड जो है वो लगाना पड़ेगा BHU10 या फिर Bhuvnesh10, आपको 10% ऑफ और जो भी लेटेस्ट ऑफर चल रहे हैं वो सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप इसको UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC और साथ में 40+ और भी एग्जाम सबके लिए काम में ले सकते हैं। कैसे, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना है 40+ एग्जाम में से जो भी है, उसके बाद प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे, और BHU10 आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं तो एक बच्चे को एजुकेशन देने में हेल्प कर सकते हैं, स्पॉन्सर करने में उसके एजुकेशन, smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ से आप ले सकते हैं। आज का कोट ऑफ द डे है, द ओनली सीक्रेट बिहाइंड अ गुड डे इज अ गुड एटीट्यूड। तो एक बहुत अच्छी बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है, कि आपके दिन की शुरुआत या आपका दिन अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, ये जिस दिन आपने इसकी चाबी दूसरों के हाथ में दे दी ना, यकीन मानिए आपके दिन अच्छा जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि मैटर यही करता है कि अगर आप पूरा दिन अपना जो व्यतीत कर रहे हैं, आप बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत लोगों से डिस्कशन होता है, चाहे वो फैमिली के मेंबर हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके दोस्त हो, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब जगह से हमें पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा, अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। अगर आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लोगे तब भी नहीं होगा, क्रिटिसिज्म तो आपको हर जगह हर लेवल पे कोई ना कोई है ना, पड़ोस की शर्मा आंटी, वर्मा आंटी, कोई भी आगे कुछ भी बोल जाएगा, लेकिन आप उस अपना एटीट्यूड कैसा रखते हैं उस मोमेंट के ऊपर, उस चीजों को लेकर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ गए मेरी बात। तो आपका एटीट्यूड है वही आपके दिन को अच्छा बनाता है या फिर बुरा बनाता है ना। लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, सुनो, निकालो अपने काम जो आपको करना है, जहां पे आपको अपना टाइम देना है, वो आपको पता होना चाहिए, या आपकी लाइफ है, आपके कंसिक्वेंसेस है, आपके पॉजिटिव है, आपके नेगेटिव है, समझ गए। आपकी लाइफ में अच्छे होगा अगर आप आज अपना टाइम अच्छे तरीके से बिता रहे हैं, अच्छी चीजों में बिता रहे हैं, है ना, आपके लाइफ के साथ में होने वाला जो भी, तो दूसरों के जो है वो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन से आप अगर अपना दिन खराब कर रहे हो तो ये दूसरों की गलती नहीं है, वो तो हमेशा ऐसा करेंगे, ये हमारी गलती है। तो हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए और हमें इन चीजों को किस तरीके से लेना है वो हमें सीखना चाहिए। जिस दिन आप थोड़ा थोड़ा सा सीखने लग गए ना, यकीन मानिए बहुत बड़े चेंजेस आने लगेंगे। उसके बाद में आप ज्यादा फोकस कर पाओगे अपने काम के ऊपर और लोगों की बातों के ऊपर कम फोकस करोगे, है ना। जो ये चिट चैट वाली जो आदत होती है ना, देखो उसने क्या बोला, देखो उसने क्या बोला, देखो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये दिन आपका बहुत खराब करता है। चलिए
आगे बात करते हैं जो कि चलते हैं आज के धेंदु पे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों इंडिया और चाइना के पीस को लेकर। हमारे पेपर के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, है ना। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जयशंकर जी से जो चाइनीज काउंटर पार्ट है वैंग ही, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है, वो अभी दिल्ली में आके मिले हैं। यहाँ पे इन्होंने अजीत डोवाल जी से भी एक घंटा बातचीत करी। तो हमने साफ तौर पे बोल दिया कि कोई भी बातचीत आगे तभी होगी तब सबसे पहले बॉर्डर के ऊपर जो है ना चीजें नॉर्मलाइज होगी, है ना। चाइनीज लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि ये बिजनेस करने तो आ जाते हैं और उसके बाद में जब हम लोग इनको बिजनेस भी करते हैं, इनके साथ सारे काम करते हैं, तो उसी पैसों से और फिर ये बॉर्डर के ऊपर टेंशन क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें साथ में चल नहीं सकती एक्चुअली के अंदर। तो ये डायरेक्टली मैसेज है जो कि ये दे दिया गया है और ये बहुत अच्छी भी बात है और ये चीज ऑन पेपर भी नजर आनी चाहिए। हम लोग बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं, हमारा फिस्कल डेफिसिट चाइना के साथ में बहुत ज्यादा है, हम उसको कम करेंगे धीरे धीरे तो हमारे लिए बहुत बेटर रहेगा। ये स्ट्रांग मैसेज चाइना को जाएगा कि बिजनेस नहीं हो सकता बॉर्डर के साथ में। अभी क्या होता है, इनको लगता है ठीक है इंडिया की रिक्वायरमेंट है, चाइना को कहाँ हम, है ना। आप देख रहे होंगे पिछले साल में भी चाइना का जो हमने इम्पोर्ट करवाया है चाइना से, वो बहुत ज़्यादा करवाया है। तो वो चीज़ें थोड़ी नंबर कम होगी तब चीज़ें और बेहतर होगी। यहाँ पे दोस्तों बीरपुर डेथ को लेकर सीबीआई ने जो है इसकी जाँच है जो कि यहाँ पे करने के लिए ले लिया। आपको मालूम है 21 मार्च की नाइट को क्या हो गया था, गांव के अंदर कई लोगों को जो है ना वो आग लगा दी गई थी जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उससे पहले तृणमूल कांग्रेस का एक डिप्टी प्रधान था उसका मर्डर हो गया था। उसके बाद में इस तरीके का इवेंट देखने को मिला जो कि बहुत ही हीनियस क्राइम था। तो उसको लेकर सीबीआई जांच कर रहा है। यहाँ पे यूपी के जो सेकंड टर्म है जो कि योगी जी स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों यूपीएससी को लेकर एक बहुत अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट अपने नंबर लेके आता है आईपीएस बनने के लिए और वो डिसेबल है, इवन दो वो आईपीएस के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे आईपीएस हो, चाहे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो, चाहे फिर आपका कोई अंडमान निकोबार वहां पर हो, है ना, DNIPS बोलते हैं उसको, तो सब जगह पे अप्लाई कर सकता है ना। तो एक्सक्लूजन को चैलेंज किया गया था एक एनजीओ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, है ना। तो चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अलाउ है जो कि कर दिया है। इसके अलावा दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक तो ऑनलाइन वोटिंग को लेकर और एक दिल्ली का पर कैपिटा इनकम को लेकर, दोनों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अंदर कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली न्यूज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1, 2 और 3 फ्रंट पेज पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सेंटर जो है वो एक्सप्लोर कर रही है पॉसिबिलिटी की कैसे ऑनलाइन वोटिंग NRI लोगों की करवाई जा सकती है। आपको मालूम है बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं और वो वोट देने में इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको इतना बड़ा तो कोई देशभक्त है भी नहीं कि वो विदेश से टिकट करवाएगा, इंडिया आएगा, फिर वोट देगा, फिर वापस से जाएगा। मतलब ये तो फिजिबल भी नहीं है, ऑब्वियस बात है, मतलब उसके 1-2 लाख रुपए लग जाएंगे इस काम के अंदर एक वोट के पीछे, और उसको पता लगता है एक वोट जिसको दिया उसने पार्टी बदल ली अगले दिन जीतते ही ओके सब कुछ ही बदल गया, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर उनको फैसिलिटीज मिलेगी तो डेफिनेटली दे विल लाइक टू वोट, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि पॉसिबिलिटी सेंटर जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है कि कैसे जो है वो ऑनलाइन वोटिंग करवाई जा सकती है और आधार कार्ड को कैसे जो है आपके इलेक्टोरल रोल के साथ में लिंक किया जा सकता है ताकि फ्रॉड वोटिंग जो है वो रोकी जा सके। देखो आपको मालूम है कि नहीं मालूम है मुझे नहीं पता, लेकिन गांव के अंदर जब अपने लोकल इलेक्शन होते हैं ना, है ना, MLA MP के तो बड़े लेवल पे इलेक्शन तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस और बहुत ज्यादा दोनों पार्टी बहुत एक्टिव रहती है, लेकिन गांव के अंदर जो सरपंच के बाकी जो म्यूनसिपैलिटी के जो ये सब इलेक्शन होते हैं उसमें बहुत फर्जी वोट पड़ता है, मतलब बहुत ही, मतलब एक आदमी 5-5 वोट भी देके आता है, इस तरीके से माहौल बनता है। तो ये फ्रॉड जो ये फ्रॉडुलेंट वोटिंग होती है वो रोका एक ही तरीके जा सकता है कि एक आधार के ऊपर एक ही वोटिंग हो सके। अब आधार कार्ड तो एक आदमी का एक ही नाम से होगा, सिंपल सी बात है ना, तो उसको लिंक करने को लेकर भी पॉसिबिलिटी है जो कि यहाँ पे निकाली जा रही है। तो ये लॉ मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू, इनके द्वारा लोकसभा के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है जो कि दी गई, कई सारे सवाल जो है वो इनसे लोकसभा के अंदर पूछे गए थे इन्हीं चीजों को लेकर, तो उन्होंने इन चीजों को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है। साथ में बोला है कि देखो भाई ईवीएम का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आप ईवीएम के ऊपर रेस कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं इस चीज का, वन ऑफ द बेस्ट वोटिंग सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया में इंडिया का माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आर था, आपको मालूम है ना 11 से 12 बजे का जो टाइम होता है लोकसभा के अंदर वो क्वेश्चन आर होता है, जिसके अंदर पहले से क्वेश्चन दिए जाते हैं, है ना, और फिर एक जो मिनिस्टर होता है वो क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करता है और फिर लोकसभा में आके एक 11 से 12 बजे के बीच में क्या करेगा, उनके जवाब देगा। फिर 12 से 1 के बीच में होता है 0 आवर, जिसमें चिल्लम चिल्ली मचाना, लड़ाई दंगे करना, उठापटक करना, जो करना है ना, गले मिलना, आंख मारना, जो भी काम होते हैं ये सब जो आप देखते हो नॉर्मली, है ना, फनी वाली जो एक्टिविटीज होती है वो फन एक्टिविटीज 12 से 1 के बीच में होती है, जिसको 0 आवर कहते हैं। 11 से 12 के बीच में प्रॉपर जो है वो क्वेश्चन आवर होता है, मतलब समझ गए मेरी बात, ठीक है। 1 बजे के बाद में जो इनका लंच हो जाता है क्योंकि सब लोग काफी थक जाते हैं चिल्लम चिल्ली करने के बाद में, इस तरीके से चलता है ये, ओके। तो ये सारे के सारे 2-3 इश्यूज के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, वो हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब इसके ऊपर आगे क्या होगा वो आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा, समझ गए।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली के पर कैपिटा इनकम को लेकर, जो कि इंडिया में दोस्तों थर्ड हाईएस्ट है। फर्स्ट और सेकंड कौन है जल्दी बताओ मुझे, क्या लगता है कौन होगा फर्स्ट और सेकंड के ऊपर अगर मैं बात करूं? ठीक है, पर कैपिटा इनकम, स्टेट की पर कैपिटा इनकम यानी कि स्टेट का जीडीपी कितना है, मतलब स्टेट का है ना ग्रॉस, आप उसको नेट करोगे ज्यादा सही रहेगा, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके स्टेट का कितना है, आप टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड करोगे और उसके बाद में आपका स्टेट का पर कैपिटा इनकम है जो कि निकल के आएगा, है ना। ऑब्वियस बात है जिस स्टेट का जितना ज्यादा जीडीपी होगा, पॉपुलेशन कम होगी, उतना ज्यादा उसका क्या होगा पर कैपिटा इनकम होगा, ऑब्वियस बात है ना। तो यहां पे दिल्ली के थर्ड हाईएस्ट है, नंबर वन पे गोवा है, सेकंड पे सिक्किम है, समझ गए, थर्ड के ऊपर दिल्ली है। दिल्ली की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है वैसे तो, इनकी पॉपुलेशन कम है लेकिन दिल्ली का जो रेवेन्यू की बात करें, जीडीपी की बात करें, वो काफी अच्छे लेवल पे चल रही है पिछले, है ना, दो चार पांच साल से काफी ठीक है मतलब। ओके, तो आप देख सकते हैं तो दिल्ली का पर कैपिटा इनकम है और जीएसडीपी का मतलब यही है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब समझते हो ना यार क्या होता है जीडीपी, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। मैंने आपको 10 रुपए दिए, आपने 3 रुपए खर्च करे, 7 रुपए बचे, तो 7 तो हो गया आपका नेट, है ना, और 10 रुपए जो टोटल दिए थे वो आपका ग्रॉस हो गया। तो जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक आपकी टेरिटरी के अंदर, और जीडीपी पी का मतलब है प्रोडक्ट, आपने अपनी जीडीपी के एरिया के अंदर कितना प्रोडक्ट बनाया और कितनी सर्विसेज दी है, समझ गए। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करके, तो ऐसा कितना टोटल हुआ है ना, उसको अपन जीडीपी कहते हैं, समझ गए। जैसे हम लोग बोलते हैं 2.9 ट्रिलियन डॉलर इंडिया की जीडीपी है, इसका मतलब क्या है कि टोटल डोमेस्टिकली हम लोग सर्विस और हमारी प्रोडक्ट बनाते हैं वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर का, है ना। अमेरिका की ज्यादा क्यों है वहां पे इतनी ज्यादा, 15-20 क्यों है, 20 से भी 20 के आसपास है, ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पे माइक्रोसॉफ्ट भी वही काम कर रही है, अमेजोन भी वही कर रही है ना, स्पेस एक्स भी कर रही है, उसके अलावा गूगल भी कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी IBM है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे काम कर रही है, तो वहां पे सर्विसेज दे रही है वहां से पूरी दुनिया को, तो उनका ज्यादा होगा। तो इस तरीके की बड़ी कंपनी देश में होना जरूरी है, किसी स्टेट में भी होती है तो भी बहुत अच्छी बात है, स्टेट का जीडीपी जीएसडीपी इंप्रूव होता है। तो पेंडेमिक के सेकंड ईयर के बाद में जो है वो बढ़ गया है। तो दिल्ली ने इकोनॉमिक सर्वे है जो कि अभी टेबल किया दिल्ली असेंबली के अंदर, उसके अंदर ये सारी जानकारी दी है, उन्होंने काफी सारे डाटा दिया है कि एजुकेशन के ऊपर, कि दिल्ली के अंदर जो है वो 21% गवर्नमेंट स्कूल है ना, लेकिन दिल्ली के 40% बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, तो ये बहुत अमेजिंग डाटा है ना। नियर बाय 16 लाख बच्चों ने जो है वो 2020-21 के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है वो शिफ्ट किया है अपने आप को। आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल बहुत ही अच्छे लेवल पे हो गए, सारी सुविधाएं मिलना, बहुत ही हाईटेक लेवल के ऊपर, अच्छा करिकुलम, अच्छी पढ़ाई, तो इसलिए काफी शिफ्टिंग हो रही है। और इससे पंजाब के अंदर भी अच्छे स्कूल बनाए गए हैं, है ना, इससे मोटिवेट होके राजस्थान के अंदर जयपुर में भी कुछ एक स्कूल है अभी महात्मा गांधी के नाम पे, वो भी थोड़े बहुत बने हैं। तो क्या होता है कि अगर एक दो स्टेट के अंदर अगर अच्छा स्कूलिंग बनती है तो फिर बाकी राज्यों के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, है ना, कि यार बाकी राज्यों के अंदर वहाँ पे स्कूल बहुत अच्छे हैं, आपको भी बनाना चाहिए, तो जनता का भी थोड़ा सा फिर जो है अच्छे मुद्दों के ऊपर बात होती है, तो ये अच्छी बात है। तो नंबर ऑफ स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड है वो कितने, 1200 स्कूल हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे कुछ एक अचीवमेंट जो कि इन्होंने बताया, स्किल डेवलपमेंट, टीचर्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, है ना, देशभक्ति करिकुलम एंड सो ऑन, ये सब है यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 4% व्हीकल जो है वो 2019-20 में बढ़े, 3% व्हीकल 2021 के अंदर बढ़े दिल्ली में। टू व्हीलर का जो शेयर है दिल्ली के अंदर, है ना, नॉर्मली तो वैसे आपको फोर व्हीलर दिल्ली में ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली बात करें 67% जो दिल्ली में शेयर है वो टू व्हीलर का है और 27% जो है वो फोर व्हीलर का है, समझ गए। हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स के बारे में, मोहल्ला क्लिनिक 520 है ये सब, और सारे के सारे एलोपैथिक के डिस्पेंसरी 175 है, वो सारे के सारे यहाँ पे बताए गए, तो आपको ये सब याद नहीं करना। यहाँ पे बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो आप देख सकते हैं 18-19 में 3.38 लाख थी हमारे, अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर मैं अपने बात करूँ तो अपना 2000 रुपये पर पर्सन पर ईयर के आसपास है, है ना, पर कैपिटा इनकम की बात करें। दिल्ली का जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर एज ए इंडिया की बात करें तो अपना बहुत कम है, और लेकिन दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज अभी कितना पहुंच चुका है 2021-22 में 4 लाख रुपए, यानी कि ऑन एन एवरेज एक आदमी दिल्ली का जो सिटीजन है वो 4 लाख रुपए पर पर्सन पर ईयर उसकी इनकम है। हालांकि इनइक्वालिटी होती है तो इस वजह से हर आदमी के पास 4 लाख रुपए नहीं पहुंच पाते, समझ गए। चलिए इसके अलावा वो आप देख सकते हैं, बाकी तो ये आपके दिल्ली के जी है, कितना टोटल जीडीपी है वो यहाँ पे बताया गया, 9.23 लाख करोड़ रुपीज है जो कि 2021-22 का एडवांस एस्टिमेट है जो कि बताया गया है, समझ गए।
तो ये सारे के सारे यहाँ पे नंबर्स है। चलिए आपको जो याद रखना है वो एक तो ये वाला नंबर याद रखना है, एक आपको ये वाला नंबर याद रखना है, और बाकी आपके लिए इसमें कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ गए। तो ये दो नंबर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कैपिटल है दिल्ली, इम्पोर्टेंट पद जगह है, इसीलिए पूछा जा सकता है। अदरवाइज आपके जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हो उसी के सवाल है जो कि आपके स्टेट के एग्जाम में आते हैं, सेंटर वाले में दिल्ली का पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे मोदी जी है, योगी जी है, तो इन्होंने अभी रिसेंटली सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म है जो कि अपना स्टार्ट कर रहे हैं 5 साल का, और इसमें 52 मिनिस्टर इंक्लूड करें जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक को डिप्टी सीएम है जो कि यहाँ पे बनाया है, समझ गए मेरी बात। काफी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे एक नए स्टेडियम है लखनऊ के अंदर, वहां पर ये सेरेमनी है जो कि हुई है। 52 मिनिस्टर बनाए गए जिसमें 16 कैबिनेट है, 34 जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, समझ गए ना। तीन तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं, एक तो होता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि सारे के सारे टोटल, उसके अंदर सबसे टॉप लेवल पे होते हैं कैबिनेट, उसके बाद होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार, है ना, वो छोटे छोटे मंत्रालय जो होते हैं उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 की, यहाँ पे ये सब मुद्दों के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। हमारे लिए दोस्तों केरला का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोस्टा रिकन फिल्म है ना, शोला नाम से आप तो याद कर लेना, शोला नाम आपको याद करना आसान रहेगा, ठीक है, भूलोगे नहीं इस तरह, शोला नाम से याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। एक्चुअली मैंने बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल देखा है कि जो केरला का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उससे सवाल बन जाता है, इसीलिए मैंने कवर किया, क्योंकि बड़ा है वैसे, काफी प्रेस्टिजियस फेस्टिवल माना जाता है ना, जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अपना जो कि गोवा में होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे केरला का फिल्म फेस्टिवल है, थर्ड नंबर पे आता है कोलकाता का, तो ये दो तीन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गोल्डन क्रूज जो अवार्ड मिला है, बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो शोला करके इस मूवी को मिला है, इस तरीके से याद करोगे तो सही रहेगा, समझ गए। चलिए ठीक है, बाकी कुछ और खास इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल राइट ठीक है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 9, यहाँ पे बात करें INS वलसुरा को लेकर, प्रेसेंट कलर अवार्ड है जो कि इसके अंदर मिला है, और इसके अंदर अगर मैं और ठीक है अवार्ड देखो बहुत सारी कैटेगरी के अंदर मिले हैं इसमें, है ना, बहुत सारी कैटेगरी इसके अंदर है, लेकिन आपसे पेपर में जो पूछा जाएगा वो यही वाला ध्यान रखना है आपको, और आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। एक कैमेला करके उसको सिल्वर अवार्ड मिला है, सिल्वर क्रू अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर के, और ये गोल्डन वाला किसका है, शोला, है ना, इस तरीके से। चलो ऑल राइट, और एक पेबल करके तमिल फिल्म है, इसको ऑडियंस का बेस्ट पोल अवार्ड है जो कि बेस्ट फिल्म के लिए मिला है, है ना, ऑडियंस ने जो है वो पोल करके इसको बेस्ट मूवी बताया है। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है सिर्फ। यहाँ पे बात करेंगे प्रेसिडेंट कलर को लेकर, समझ गए, यहाँ पे बात करेंगे UGC को लेकर, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि INS वलसुरा जो है उसको अवार्ड दिया गया दोस्तों, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, है ना। तो अभी रामनाथ कोविंद जी ने गार्ड ऑफ ऑनर है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिला है। प्रेसिडेंट कलर दोस्तों किसी मिलिट्री यूनिट को मिलता है जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल काम करती है अपनी सर्विस को लेकर, देश के सर्विस को लेकर, पीस टाइम के अंदर भी और वॉर के अंदर भी, समझ गए। तो पहले तो बहुत ज्यादा आर्मी की यूनिट को मिला करता था, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से नेवी के जो काम है उनको भी मिल रहा है। तो ये INS वलसुरा क्या है, इंडिया का नेवी का बहुत ही प्रीमियम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब जो अपने नेवल ऑफिसर्स हैं उनको बहुत अमेजिंग जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग है जो कि अवेलेबल करवाई जाती है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे दोस्तों इसको बनाया गया था, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेन करता है ये ऑफिसर्स को जो ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, सफोस्टिकेटेड और टेक्नोलॉजी जो इक्विपमेंट है जो अपने वॉरशिप में काम में आते हैं उन सभी के लिए, है ना। तो नेवी जो है वो फर्स्ट इंडियन आर्म फोर्स है जिसको अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट कलर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इंडियन नेवी को जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा सबसे पहले जो है वो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला था 1951 के अंदर, समझ गए मेरी बात। और ये जो वलसुरा इंस्टीट्यूट है ये 30 एकड़ वाली जमीन में बना रखा है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1942 के अंदर है, जो कि इसको टॉर्पेडो स्कूल के नाम पे बनाया गया था। उसके बाद में 600 एकड़ में इसको बड़ा कर दिया गया, और अभी वॉरशिप को ट्रेन करना, लोगों को ट्रेन करना, उसके अंदर काफी काम है जो कि ये करता है, समझ गए। चलिए तो कंटेम्प्रेरी ट्रेनिंग देने के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, मीडियम वोल्टेज लैब है, तो ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर ये लोग ओवरऑल काम करते हैं, समझ गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं UGC को लेकर। देखो पहले क्या हुआ करता था कि आप पहले तो करते हो ग्रेजुएशन, फिर आप करते हो पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो डायरेक्टली किसी छोटे से कॉलेज में PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो और PhD स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मली लोग डॉक्टर अपने नाम के आगे जो लगाते हैं वो इसी तरीके से लगाते हैं, आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद में PhD के लिए अप्लाई कर दिया,
कोई छोटे मोटे कॉलेज से, वहाँ पे आपने अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया, आपके नाम के आगे डीआर डॉक्टर भी लग गया, समझ गए। इस तरीके से बहुत सारे डॉक्टर जो है वो बने हुए हैं आज के टाइम पे। लेकिन अभी क्या कर दिया है ना। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर FSSAI में कितने मंथ का करंट अफेयर आता है। 6 महीने का आता है FSSAI के पेपर में, 6 महीने का करंट अफेयर करेगा, और उसके अंदर फूड को लेकर स्पेशली फोकस करना है, एनवायरमेंट को लेकर मेजरली फोकस करना है ना, वहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा बनेंगे। चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि आप कैसे पहले पीएचडी करते थे। अभी क्या हो गया कि सरकार ने नया ड्राफ्ट है, जो कि यहाँ पे यूजीसी ने जो है नया ड्राफ्ट है जो कि रूल्स बनाया, जिसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट है ना वो मस्ट हो गया, ये कंपलसरी है एंट्रेंस टेस्ट। अभी आप पीएचडी ऐसे नहीं कर सकते। पीएचडी करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम होगा उसको क्रैक करो, या फिर आप क्या करो, नेट एग्जाम है जो कि आपका क्रैक करो, समझ गए मेरी बात, ठीक है। जो आपका नेट है, एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो, या तो आप फिर क्रैक करो, 2 ही तरीके हैं। तो ये अच्छी बात है वैसे, क्योंकि पीएचडी ऐसे ही कर लेना कोई मतलब नहीं है, है ना। एक राहुल द्रविड़ ने तो डॉक्टरेट की उपाधि देने से मना कर दिया था, है ना, बैंगलोर यूनिवर्सिटी या पता नहीं कोई बड़ी यूनिवर्सिटी थी जो कि उनको दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार डॉक्टरेट की उपाधि उसको मिलती है जो रिसर्च करता है। मैंने कोई क्रिकेट के ऊपर रिसर्च नहीं करी, मैंने क्रिकेट खेला है सिर्फ, है ना। तो जिस दिन मैं रिसर्च करूंगा इसके ऊपर, मैं इन डेप्थ में थीसिस बनाऊंगा, तब मैं ये डिग्री आपसे लूंगा। ऑनर के लिए देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनको देती है, है ना, और सब लोग लेते भी हैं, चाहे फिर वो यार रहमान हो, शाहरुख खान हो, लेकिन एक अलग सेट, एक अलग थॉट प्रोसेस है जो कि जानने को मिला था, जो कि काफी हद तक सही भी है कि आपको चाहे ऑनर के लिए डॉक्टरेट की उपाधि मिली हो, चाहे किसी भी तरीके से मिली हो, लेकिन मिल रही है आपको डॉक्टरेट की है। डॉक्टरेट वो लोग डिजर्व करते हैं जो कि अच्छे तरीके से रिसर्च करें किसी काम के ऊपर, अच्छे तरीके से थीसिस बनाए, अपने नोट्स बनाए, जो कि आने वाले लोगों के लिए या देश के लिए या किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम आए, आपके जो रिसर्च थी वो किसी और के काम आनी चाहिए, ओके, तब जाके जो है वो आप डॉक्टरेट की उपाधि आपको जस्टिफाई करते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है वैसे, है ना। कई लोग, कई बार क्या होता है कि ये बहुत अच्छा स्कोप है, आपको पता नहीं होगा, नेट एग्जाम के अंदर जो है आप क्लियर करके किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आपके पास में दिक्कत नहीं आएगी जॉब की, अगर आप नेट एग्जाम क्रैक करते हो, इसमें जो टॉप के 2% लोग होते हैं, है ना, उनको GRF मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, GRF। इसमें आपको सरकार 30,000 से 40,000 रुपये पर मंथ देती है रिसर्च करने के लिए, ओके, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप GRF क्रैक करते हो, नेट के अंदर अच्छे नंबर लेके आते हो, और नियर बाय 30-40 सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप नेट कर सकते हो, तो आपका जो भी मतलब आपका सब्जेक्ट है ना, सब सब्जेक्ट में आपका नेट जो है वो एलिजिबल होते हो आप देने के लिए, ओके। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम है, साल में 2 बार होता है, बढ़िया ट्रांसपेरेंसी से होता है, बढ़िया टाइम पर रिजल्ट आता है, सब कुछ बढ़िया होता है, तो आप ये कर सकते हो, साल में 2 बार होता है एग्जाम ये, ओके। तो इसमें 40,000 के आसपास, 30-40,000 रुपये के आसपास है जो कि सरकार आपको PhD करने के लिए देती है। GRF के अंदर फिर आप IITs के अंदर या जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है उनके अंदर आप PhD कर सकते हो, है ना। उसके साथ में फिर लोग क्या करते हैं, नेट निकालते हैं, फिर UPSC की तैयारी करते हैं, ठीक है, ताकि उनके जो है पैसों में, रहने में, खाने में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि यहाँ से थोड़े पैसे तो मिलते रहते हैं और वो UPSC में लग रहे थे, इस तरीके से चलता है, ठीक है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर आप PhD कर रहे हो तो आपको अच्छे कॉलेज से करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए किसी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से या फिर वर्ल्ड के किसी टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर अप्लाई करके आप वहाँ से PhD करो, है ना। चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया दिया कि क्या चेंजेस जो कि अभी किया गया है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। साथ में MPhil की डिग्री जो है, पहले MPhil भी हुआ करती थी, अभी उसको कैंसिल कर दिया गया है, समझ गए। अभी MPhil का कोई ज्यादा रोल है जो कि नहीं रहा है। अभी आप क्या कर सकते हो, जो 4 साल का अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हो, अगर आपके CGPA 7.5 या उससे ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली भी PhD में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बोला गया है, होपफुली। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं पेज नंबर 12 दोस्तों, यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों कि गुजरात ने वापस से टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस को लेकर। देखो, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास के कोई भी राज्य के जो अंतर तंत्र है एक्सपोर्ट करने के, वो कितने बेहतर हैं, उसको लेकर ये रैंकिंग है जो कि निकाली जाती है, समझ गए मेरी बात। एक अमन बोल रहा है कि सर BA वाले भी कर सकते हैं। अरे भाई, BA वाले, BCom वाले, BTech वाले, कोई भी UGC नेट के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएट आपकी हो जानी चाहिए उसके लिए। ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में PhD होती है, है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। तो आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम में, तो आप एलिजिबल हो UGC की देने के लिए, समझ गए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज टाइप google.com और वहां पर जाके आप रिसर्च करें थोड़ा सा, है ना, ठीक है।
और एक चैनल भी बना रखा है अनअकैडमी यूजीसी नेट, वहाँ पर भी जाके आप जानकारी ले सकते हैं, आप रेगुलर क्लासेस होती है। चलिए तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस के लिए तो यहाँ पे गुजरात ने टॉप किया है। देखो गुजरात की बात करें तो जो देखो ऑब्वियस बात है, एक्सपोर्ट कौन से राज्य के ज़्यादा करेंगे, जिनके पास में समुद्र होगा, क्योंकि समुद्र से मैक्सिमम एक्सपोर्ट है जो कि होता है। हमारे यहाँ पे बात करें तो 90% वॉल्यूम और 75% टोटल वैल्यू का हम लोग समुद्र के थ्रू ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि जो तट के तटीय राज्य हैं वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो कल को आपके ऐसे सवाल आते हैं और उसमें चार राज्य आते हैं जिसमें तीन तो दे रखे हैं आपको लैंडलॉक्ड, जिनके पास में समुद्र नहीं है, तो वो नहीं, उनका इतना ज़्यादा नंबर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो गुजरात नंबर वन पे, गुजरात आपको मालूम ही है दोस्तों पिछले 2000-3000 सालों से हमारे एक्सपोर्ट का जो है वो सबसे बड़ा हब रहा है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड के ऊपर कर्नाटका और चौथे के ऊपर तमिलनाडु। अगर आप देखोगे तो चारों के चारों कौन से तटीय राज्य है, समझ गए, सबके पास में समुद्र है। ठीक है, नंबर वन पे गुजरात, सेकंड पे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और एक हरियाणा दोस्तों यहाँ पे है अगर आप देखोगे पांचवें नंबर पे। तो हरियाणा ना के पास में कोई समुद्र नहीं है लेकिन वो पांचवें नंबर के ऊपर पहुंचा, ये अच्छी बात है। चार इसके क्राइटेरियाज है जिसके ऊपर ये रैंकिंग बनाई जाती है। ठीक है, चार मेजर पिलर्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट के, प्रमोशन करना, फैसिलिटीज, पॉलिसी एक्सपोर्ट, बिजनेस और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है और एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है आपकी शिपमेंट के अंदर, समझ गए। तो ये चार पैरामीटर्स है। ओके, इस बार आपको मालूम ही है 2021-22 के अंदर हमने एक्सपोर्ट की बात करें तो $400 बिलियन का जो टारगेट है, इनफैक्ट $400 बिलियन का टारगेट को हमने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 7 दिन पहले अचीव कर लिया। तो टोटल नंबर इसका जाएगा 407 से लेकर 410 बिलियन के आसपास है जो कि जाएगा। सबसे एक्सपोर्ट में जो राज्य लैग कर रहे हैं वो कौन से है, बिहार दोस्तों सबसे खराब कंडीशन में, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम का है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी किसी ज़माने में एक्सपोर्ट में बहुत आगे था और इनके पास में समुद्र भी है, काफ़ी अच्छे है ना, पोर्ट्स भी है, तो वेस्ट बंगाल का ऊपर रहना ज़रूरी है। अगर ये अच्छा परफॉर्म करेगा तो हमारे इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, है ना, तो इनके पास काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। चलिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस के और इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों एयरटेल जो है वो वोडाफोन के 4.7% स्टेक इंडस टावर के अंदर है जो कि खरीदने वाला है। ठीक है, बड़ी न्यूज़ है क्योंकि जो टोटल एक तो पहली बात तो एयरटेल और वोडाफोन दोनों ही कॉम्पिटिटर है, तो अगर कोई भी एक दूसरे की कंपनी के या एक दूसरे के अंदर कोई भी किसी प्रकार से या सब्सिडरी कंपनी में अगर कोई स्टेक लेता है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नियर बाय 3000 करोड़ रुपए की ये डील है जिसके अंदर 4% के आसपास है जो कि स्टेक लेके आने वाले हैं। देख सकते हो 2300 करोड़ की ये डील है, समझ गए, इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके चलिए ठीक है, ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया बिजनेस है ना वोडाफोन आइडिया का, वो या तो एयरटेल ले ले या फिर जियो ले ले, ये भी पॉसिबल है आने वाले दिनों के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीति आयोग ने दोस्तों क्या किया है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया है 5वां एडिशन, किसका, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। ऐसी महिलाएं जिन्होंने भारत के ट्रांसफॉर्मेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उनको यहाँ पे अवार्ड है जो कि दिया जाता है। 2021 के अवार्ड है, 75 महिलाओं को दोस्तों यहाँ पे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए है ना अवार्ड है जो कि मिला है, समझ गए। और यहाँ पे एंथम क्या रखा गया, नारी शक्ति है जो कि इसका एंथम रखा गया, और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है जो कि बनाया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो वो इसको ऑर्गेनाइज है जो कि करवाते हैं। कैलाश खेर ने दोस्तों इनके लिए गाना भी जो है वो नारी शक्ति नाम का जो है वो लिखा है। ठीक है गाइज, ये एनुअल इनिशिएटिव है जो बहुत ही अमेजिंग काम करती है महिलाएं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। किरण बेदी और बहुत देश की जो बड़ी बड़ी महिलाएं वो इस इवेंट के अंदर आती हैं। आप देख सकते हो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, क्लाइमेट एक्शन है, डिजिटल इनोवेशन है, किसी भी तरीके से सारी कैटेगरीज के अंदर अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है गाइज, चलिए किस लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म, प्रमोट करने के लिए, एंकरेज करने के लिए महिला एंटरप्रेन्योरशिप को, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए। अमिताभ कांत का दोस्तों ये आइडिया था जो कि CEO है नीति आयोग के। ओके चलिए, इसी प्रकार का एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट भी होता है वैसे, है ना। ऑलराइट, आगे बात करते हैं आर्टिकल 355 को लेकर। देखो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो हमारे आर्टिकल से 352 नेशनल इमरजेंसी, 56 है स्टेट इमरजेंसी जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, और 60 हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो 356 वाला जो है वो स्टेट को लेकर है, 55-56 ये सब। तो अभी आपको मालूम ही है दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर जो 8 लोगों की मृत्यु हुई है तो उसको लेकर जो है वो काफ़ी, यहाँ पे आप देख सकते हो
है ना, काफी जो है मिनिस्टर्स के द्वारा बोला जा रहा है कि काफी ज्यादा पोल की वायलेंस हुई है वेस्ट बंगाल में, तो कई सारे अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे हैं प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे आर्टिकल 355 है जो कि लगा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में काम नहीं कर पा रही है। तो ब्रेकडाउन हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का। तो जब किसी भी राज्य के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब बिल्कुल संविधान के हिसाब से चीजें नहीं चल रही होती है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट रूल है जो कि लगा देते हैं, तो उसी की डिमांड है जो कि यहाँ पे करी जा रही है, समझ गए। चलिए, तो किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, अगर इंटरनल डिस्टरबेंस है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंश्योर हो जाए कि हाँ बिल्कुल बात सही है, गवर्नर ये प्रपोजल जो है वो देता है प्रेसिडेंट को, उसके बाद में फिर वहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन यूज करके पार्ट आपका जो 18 है वो यूज करके आर्टिकल 356 को काम में लिया जाता है, समझ गए, जिसको हम लोग नॉर्मली प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। सबसे पहले पंजाब के अंदर लगा, सबसे मैक्सिमम टाइम आपका यूपी के अंदर है जो कि प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, समझ गए। चलिए, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बाकी कुछ खास इसके अंदर नहीं है। आप ये सब आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों। नेशनल इमरजेंसी पहले दो कारण से लगा करती थी, एक इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक तीन कारण मान लो, एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि वॉर हो गई है उस केस में, एक आर्मी रिवोल्ट कर दे, और तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस। फिर हमने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने जब लगाई थी उसके बाद में जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट किया और इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा दिया। अब दो ही तरीके हैं, या तो कोई युद्ध हो जाए या फिर आर्मी रिवोल्ट कर दे, उसी के अंदर नेशनल इमरजेंसी है जो कि लग सकती है। स्टेट की मैं आपको बता चुका हूं, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है दोस्तों उसका कारण होता है कि देश के पास में पैसा ही नहीं बचा है देने के लिए काम, जैसे श्रीलंका की जो हालत हो गई है उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कभी भी देश में लगी नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओके, एक बार लगने वाली थी 90 के टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे फिर मनमोहन सिंह जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और उन्होंने देश में एलपीजी को लेके आए थे, है ना। पहले क्या हर चीज में लाइसेंस राज था, फिर एलपीजी आने के बाद में लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, फिर हमने क्या किया, बाहर की कंपनी के लिए मार्केट इंडिया को ओपन कर दिया, और उसके बाद बाहर की कंपनी को बुलाया, माहौल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट काफी चीजें प्रमोट करी, और उसके बाद में देश की कंडीशन बेहतर हो गई, समझ गए। आगे बात करते हैं, जो कि ये सब तो हम लोग कर ही चुके हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि अभी दिल्ली के अंदर बना हुआ है। देखो दिल्ली के अंदर क्या, तीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तीनों के इलेक्शंस होते हैं, तीनों के अलग अलग सैलरी जाती है, तीनों के अलग अलग काम होते हैं, है ना। एक तो है आपके साउथ, एक नॉर्थ और एक ईस्ट, ये पूरा का पूरा काम करती है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इनको मर्ज करके सिंगल बना रहे हैं। अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होगा, कंट्रोल जो है वो उनके पास चले जाएगा, और जो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि इनको सेपरेट ही रखो, क्योंकि पहले के टाइम पे 2012 से पहले एक ही हुआ करती थी, तो परेशान हो गया आपने 2011-12 के टाइम पे ही अलग अलग करी थी, तो पहले जब अलग कर चुके तो वापस से मर्ज करने का क्या लॉजिक है। तो पहले तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट कहना है कि इसको सेपरेट ही रहने दो और इसके इलेक्शंस करवाओ, ठीक है, इलेक्शन करवाने के बाद में जो भी जीतेगा फिर वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, ओके। स्टेट गवर्नमेंट इसलिए बोल रही है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को मालूम है कि इलेक्शन वो जीती भी है, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कोई नहीं हरा सकता, है ना। तो क्योंकि पहले भी जितना ट्राई होना था वो सब हो चुका है, दो बार कॉन्सिक्यूटिवली बंपर वोट के साथ में जीत चुकी है, तो अब म्युनिसिपल इलेक्शन होंगे तो वो भी उनको मालूम है वो जीतेंगे वो इलेक्शन, तो वो चाहते हैं कि भाई अलग अलग करवाएं, क्योंकि अगर तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग अलग रहेगी तो इसकी जो पावर है मेजरली वो किसके पास में रहेगी, स्टेट के पास में रहेगी, ओके। लेकिन सेंटर क्या चाहती है, मर्ज कर दे ताकि पावर उनके पास में पहुंच जाए, है ना। दोनों पावर्स क्यों चाहते हैं, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अपनी अपनी समस्याएं हैं। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, कई बार स्ट्राइक पे चले जाते हैं, सफाई नहीं होती है, गंदगी जो है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे कई सारे कारण हैं, और दोनों सेंटर और स्टेट दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं तुम्हारी वजह से हुआ है, 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 इस तरीके से जो है वो चलता रहता है, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली लेने को रेडी नहीं हो पा रहा है, ओके। इसीलिए इसको वापस से इलेक्शन करवा के काम करने के लिए बोला जा रहा है। अब देखते हैं आने वाले के दिनों में क्या होता है। 10 साल पहले जो है इनको डिवाइड करके तीन कैटेगरी के अंदर है जो कि बनाया गया था, समझ गए मेरी बात। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है लोकसभा के अंदर, और देखते हैं अभी क्या होता है, और इसको लेकर वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर मर्ज करने को लेकर यहाँ पे बिल है जो कि यहाँ पे दिया है। प्रॉब्लम देख सकते हो आप, नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ सफाई कर्मचारी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस बिटवीन द थ्री सिविक बॉडीज, तीन सिविक बॉडी अलग अलग टैक्सेस लगा रही है मतलब एक ही सेम चीज के ऊपर, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं,
है ना। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स है आज के टाइम पे जो कि दिल्ली की एमसीडी को देखने को मिल रही है। ओके लेकिन अब इसकी जो पावर है वो स्टेट चाहती है हमारे पास में रहे, सेंटर चाहती है हमारे पास में रहे। ओके तो ये वाला मुद्दा है जो कि यहाँ पे चल रहा है। ऑल राइट, आप सभी को मालूम है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक अर्बन लोकल बॉडी होती है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है आपके 1 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन वाले एरिया को डेवलप करने को। लेकिन मान नगर पालिका, नगर पालिका ये सब सुना होगा ना, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही होती है, समझ गए। जिसके अंदर सबसे अमीर और सबसे बड़ी कौन सी है, बीएमसी है, बॉम्बे वाली जो है वो सबसे रिच है। चलिए आगे बात करते हैं, बैटल ऑफ रेजंगला एंड द अहिर रेजिमेंट डिमांड। तो देखो क्या है कि रिसेंटली अहिर कम्युनिटी जो है ना, उनके लोगों का कहना है कि आर्मी के अंदर जो है एक अहिर रेजिमेंट है जो कि होनी चाहिए। ऐसा डिमांड क्यों हो रहा है, किसी भी कम्युनिटी के नाम के ऊपर एक रेजिमेंट का डिमांड क्यों करी जा रही है? क्योंकि पहले के टाइम पे दोस्तों जाट रेजिमेंट हुआ करती थी, आज भी है वैसे पहले, लेकिन बनी थी राजपूत रेजिमेंट थी। ओके गोरखा रेजिमेंट है, ऐसे पहले बहुत सारी रेजिमेंट है जो कि प्रेजेंट के अंदर चल रही है। तो ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के नाम पर भी एक रेजिमेंट है जो कि बन जाए, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 1857 की वॉर के अंदर बहुत बड़ा है जो कि रहा है। तो एक्चुअली क्या हरियाणा का एक रीजन है अहिरवाल रीजन, जिसके अंदर आपके रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो कि आते हैं। तो यहाँ पे राव तुलाराम जो इनके लीडर थे, उन्होंने दोस्तों बहुत ही जबरदस्त जो है वो प्रोटेस्ट किया था 1857 के अंदर, है ना। और उनकी स्टोरी जो है वो बहुत ही लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन स्टोरी है। उसके बाद में 1962 के अंदर जब वॉर हुई थी, तो उस टाइम पे बैटल ऑफ रेजिंगला है ना, उस टाइम पे भी दोस्तों हरियाणा के जो अहिर ट्रूप्स थे उन्होंने बहुत अमेजिंग यहाँ पे जो है ब्रेवरी दिखाई थी। तो ये चाहते हैं कि हमारे जो कम्युनिटी के जो लीडर जो हीरो थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक क्या बनाया जाए, एक रेजिमेंट है जो कि आर्मी के अंदर बनाया जाए। ये आप देख सकते हैं ये जो रीजन है ना, इसको अपन अहिरवाल रीजन कहते हैं हरियाणा के अंदर, और यहाँ पे अहिर कम्युनिटी के काफी लोग रहते हैं। तो ये रेजिमेंट बनाने का डिमांड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि आर्मी नहीं बना सकती किसी भी कम्युनिटी के नाम के ऊपर, क्योंकि आर्मी ने दोस्तों साफ तौर पर बोल दिया है कि अब हम लोग जो है वो किसी भी नई क्लास या नई कास्ट के ऊपर रेजिमेंट नहीं बनाएंगे। पहले की बात अलग थी, पहले के टाइम पे आज़ादी के टाइम पे पहले उससे पहले जो है वो बन चुकी थी, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी बनाई थी, जैसे डोगरा बनाई है, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, ये पहले के टाइम पे बनी हुई है। लेकिन अभी बहुत सारी कम्युनिटी के द्वारा ऐसी डिमांड आ रही है, तो किस किस की बनाएंगे, है ना। अहिर कम्युनिटी बनाओ, हिमाचल बनाओ, या कलिंगा रेजिमेंट बनाओगे, गुजरात रेजिमेंट बनाओगे, कौन से रेजिमेंट बनाओगे? तो ऐसा पॉसिबल आज के टाइम पे नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। रेजिंगला जो है एक माउंटेन पास है आपके LSE लद्दाख के अंदर, है ना, चुशुल और उस वाले एरिया के अंदर। तो वहां पे हमारी लड़ाई है जो कि चाइनीज के साथ में हुई थी 1962 के अंदर, ठीक है गाइस। ये देख सकते हो आप, ये बॉर्डर के ऊपर ही एकदम। आगे बात करते हैं जो कि एक कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी टेस्ट को लेकर, अभी UGC ने दोस्तों बोल दिया है कि आपको कोई भी अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर एडमिशन लोगे ऐसी किसी भी सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि पास करना पड़ेगा, CUET। बहुत अच्छी बात है यार ये, आप एक एग्जाम दो और आप अपनी रैंक के हिसाब से देश की जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन ले लो, है ना। इस तरीके से दोस्तों UGC ने प्रपोज है जो कि क्या है, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो क्या करेगी, स्टूडेंट को उनके स्कोर के हिसाब से जो है वो एडमिशन देगी, है ना। 12th के दोस्तों बोर्ड के नंबर कोई वैलिड नहीं रखेंगे। प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे कि बहुत सारी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो आपके 12th के नंबर के बिहाफ के ऊपर आपको एडमिशन देती है। और मतलब ये कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब यार आप क्या करते हो, नंबर ज्यादा लाने के लिए रेटिफिकेशन करते हो, है ना। घर वाले भी प्रेशर देते हैं, अरे पढ़ ले 12वीं में, इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अब वो जो स्टेटमेंट होता था घर वालों का कि कॉलेज, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, 12th में नंबर नहीं आएंगे, तो वो स्टेटमेंट उनका क्या हो चुका है, अभी पुराना हो चुका है, वो इनवैलिड हो चुका है, समझ गए मेरी बात। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा एंट्रेंस टेस्ट जो कि देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है। और ये नंबरों के ऊपर जो है अभी से आपको एडमिशन है जो कि नहीं मिलेगा। देखो यार नंबर वाला जो ये गेम है ना, ये वैसे ही बहुत ही बकवास है। एक बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर आता है नंबर लाने के चक्कर में, लेकिन उसको काम नहीं आता, हु केयर्स, आपके 90% आ रही है, 80% आ रही है स्कूल के अंदर, आपके घर परिवार वाले ही खुश होते हैं, इसके अलावा किसी को क्या मतलब है यार, है ना। आप लाइफ में कितना सीख रहे हो, आपकी लर्निंग क्या रही है, आप जिंदगी में आगे जाके कितना अच्छा करोगे, या आपका मोटिवेशन भी करने का, आप अच्छा पढ़ रहे हो वो मैटर करता है, कितना सीख रहे हो वो मैटर करता है। आप 80-90% कैसे लाते हो, आप रट्टाफिकेशन करते हो नंबरों के चक्कर में, आप रटते हो और एग्जाम में लिख के आते हो, आपकी कितनी लर्निंग हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, समझ गए। उसके लिए नंबर जस्टिफाई नहीं होते हैं। 60% वाला भी अगर समझ के अगर अपनी पढ़ाई कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, समझ रहा है चीज़ों को,
तो वो ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली। आप 95% ले आओ, वही थ्री डेट मूवी वाली बात है यार। थ्री डेट मूवी देखी है ना आपने, बस वही वाली कहानी है, समझ गए कि आप नंबर ला के चाहे कितने ही टॉपर बन जाओ, लेकिन लाइफ में अचीवमेंट करोगे तो आप क्या सीखा है आपने, है ना, उन चीज़ों से आप ज़्यादा रेलिवेंट है। तो आपका जो टाइम है वो सही जगह पर इन्वेस्ट करो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक NTA के द्वारा जो ये एक एग्जाम है जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा। इसको और बेहतर बनाया जा सकता है अगर आप इसको अंदर भी, है ना, रट्टाफिकेशन वाला अगर चीज़ें ना बना के कंसेप्चुअल बेस्ड अगर आप ये टेस्ट लोगे, उसके अलावा फिर एक आप इंटरव्यू बेस्ड या GD बेस्ड, ये सब चीज़ें भी अगर आप इंक्लूड करोगे एंट्रेंस के लिए, तो और बेहतर हो सकता है, फिर बच्चे की लर्निंग और होगी, है ना। अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 10% नंबर जो है वो GD के ऊपर, ग्रुप डिस्कशन के ऊपर, है ना, डिपेंड करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, ग्रुप डिस्कशन की भी प्रैक्टिस करेगा। आपको अब GD का क्या क्राइटेरिया होता है, आपको सुनने की भी पावर होती है, सुनना भी आपके लिए ज़रूरी होता है, तो ये आदतें जो है वो बच्चों में डलेगी कि मुझे सिर्फ बोलना नहीं है, मुझे सुनना भी है, जो कि आज के टाइम पे लोगों के अंदर नहीं है। 99% लोग सिर्फ बोलने के अंदर इंटरेस्टेड है, सुनने के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है कहीं, है ना, मुझे सुनना ही नहीं है। वो वाली कहानी हो जाती है, तो सुनना भी उतना ही ज़रूरी है। पहले आप सामने वाले को सुनो अच्छे से, लेट हिम कम्प्लीट फर्स्ट, उसके बाद आप बोलो। ये एक नॉर्मल तरीका होता है, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर आपका डिस्कशन चल रहा हो, चाहे कितना ही अच्छा हो चाहे कितना ही बुरा हो, एक बार उसको खत्म कर लेने दो यार। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है गाइस। तो NTA के जो चेयरपर्सन होंगे वो इमिनेंट एजुकेशनिस्ट होंगे, जो कि MHRD के द्वारा बनाए जाएंगे। CEO जो है वो डायरेक्टर जनरल के लेवल के ऊपर होंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी होंगे, है ना, ये सारे के सारे इसके अंदर लोग हैं जो कि NTA के अंदर होंगे। करंट अफेयर शॉर्ट्स की बात करें तो मलेशिया टू होस्ट 4 नेशंस फॉर बरसामा शील्ड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो मलेशिया क्या करने वाला है दोस्तों, 4 नेशन की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और UK है दोस्तों। शील्ड नाम से ये एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करवाई जाएगी। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशू किया गया है दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा ताकि अफ्रीकन ब्लैक राइनो को सेव किया जा सके। तो आपको मालूम है दोस्तों, राइनोज नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज, यहीं पर ही देखने को मिलते हैं, समझिए मेरी बात। तो अफ्रीका के ब्लैक राइनोज को बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक एक बॉन्ड है जो कि जारी करेगा, समझ गए, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड। ओके, चलिए आगे बात करते हैं मारियो को लेकर, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 का मिला है। सेंट्रल बैंक के चिली जो है उसके सेंट्रल बैंक के दोस्तों गवर्नर है, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड है जो कि इनको 2022 का मिला है। आज के दिन के इतिहास की बात करें तो बांग्लादेश जो है उसका फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, इंडिपेंडेंस मिली उसको पाकिस्तान से। शेख मुजीफुर रहमान, फादर ऑफ द बांग्लादेश, इन्होंने काफी बड़ा रोल इसमें प्ले किया। गुरु अमरदास जी जो है वो थर्ड सिख गुरु बने 1552 के अंदर। कांग्रेस ने ऑर्डर किया रिमूवल ऑफ इंडियन ईस्ट ऑफ मिसिसिपी। इसके अलावा इंग्लैंड टेक कंट्रोल ऑफ बॉम्बे 1668 के अंदर, है ना, बॉम्बे को तो ये दहेज में मिला था पोर्चुगीज के द्वारा। पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स के बीच में शादी हुई, तो पोर्चुगीज की जो प्रिंसेस थी उसके अंदर बॉम्बे को ब्रिटिशर्स को दहेज में दे दिया गया। सोचिए, मतलब हमारा बॉम्बे दहेज में जा रहा है इधर उधर। कितनी अजीब बात है, और कोई बहुत सालों पुरानी बात नहीं है, 300 साल पुरानी बात है, 300-350 साल पहले, बहुत ही अजीब बात है। चलिए ठीक है, कैपिटल भी बनी 1931 का, न्यू दिल्ली रिप्रेजेंट कैलकटा कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, 1911 के अंदर जो है इसकी शुरुआत कैपिटल ट्रांसफर है जो कि हुआ था। 1781 के अंदर फर्स्ट ब्रिटिश संडे न्यूज़पेपर है जो कि स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए आगे बात करते हैं आज के अपने वोकैबुलरीज की, है ना। पैनोप्लोई का मतलब होता है जब आप कोई बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले करते हो किसी चीज़ को, तो हम उसको पैनोपली है जो कि कहते हैं, पैनोपली, है ना, पैनोपली। रिप्रेजल का मतलब है जब आप रिटेलिएशन करते हो किसी चीज़ को, वापस से देते हो उसको अपन कहते हैं। अबोरेंट का मतलब होता है जब आप किसी को हेट करते हो, किसी को गलत चीज़ बोलते हो उसको अपन कहते हैं। डिसओबे करना, वेट का मतलब है पानी में से जाना, है ना, प्रोग्रेस करना थोड़ा थोड़ा थोड़ा, उसको अपन वेट कहते हैं। और वॉर हाउस का मतलब है एक ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन जो कि कई सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका हो, जीत चुका हो, उसको अपन कहते हैं, समझ गए। फन फैक्ट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, स्लोवाकिया के अंदर अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक फ्लाइंग कार है उसकी टेस्टिंग और उसका सर्टिफिकेशन हो चुका है। एक गाड़ी जो कि रोड के ऊपर चलेगी, चलते चलते हवा में चले जाएगी, समझ गए मेरी बात, वो प्लेन बन जाएगी। तो हम लोग कई सारे फिक्शन मूवीज में इस तरीके से देखते हैं, अभी वो दोस्तों आने वाले कुछ सालों के अंदर रियलिटी भी हो जाएगी। चलते चलते ट्रैफिक आ गया, गाड़ी उड़ के निकल गई आगे से। ओके, तो ये आने वाले 20-30 सालों में बहुत ही कॉमन हो जाएगा। उबर ने तो काफी टाइम से इसके ऊपर काम कर रहा है, एयर टैक्सी के ऊपर, है ना। तो अभी तो क्या जमीन के ऊपर ही ट्रैफिक है, कुछ टाइम बाद में ऊपर भी ट्रैफिक हो जाएगा। ओके, आप कभी पतंग नहीं उड़ा पाओगे, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली
पास द सेफ्टी टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ओवर 200 टेक ऑफ। 200 टेक ऑफ लेकर इसने सेफली सेफ्टी जो टेस्ट है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। तो फ्लाइंग कार का जो फ्यूचर है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर गाइज अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपका कोई दोस्त, तो प्लीज़ प्लीज़ उनको बताइएगा। smileforallsociety.org की वेबसाइट पर जाके एक बच्चे की एजुकेशन मात्र 500 रुपये पर मंथ में स्पॉन्सर कर सके। ओके, उनको ATG सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जिससे उनको टैक्स में भी 50% का रिबेट मिलेगा। मंथली रिपोर्ट कार्ड, रिसीट, स्कूल का नंबर, बच्चे की पूरी डिटेल, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। और आप एक बच्चे को स्कूल है जो कि भेज सकते हैं, जो कि शायद आपके बिना कभी स्कूल नहीं जा पाता। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी के आप के ऊपर आप 0% EMI लोन लेके किसी भी 40+ एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको BHU10 या BUNESH10 आपको रेफरल कोड यूज़ करना है, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, गोल सेलेक्ट करना है आपको 40+ एग्जाम में से, उसके बाद में प्लस पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे, और BHU10 है जो कि आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। 5 साल का जो फिनेश ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द इमरजेंसी क्लेम। इमरजेंसी दोस्तों कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम पे लगाई गई थी, जनता पार्टी इलेक्ट हुई थी उसके बाद में नए इलेक्शन के अंदर, है ना, बताइए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव है जो कि डालता है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू एवरीवन, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।